कल्याण श्री मनसुख मांडविया जी, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती भारती प्रवीण पवार, सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, उपस्थित सांसदगण, सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय श्री राजेश भूषण जी, कार्यक्रम में जुड़े केंद्रीय सचिवगण, सभी राज्यों से जुड़े स्वास्थ्य सचिव एवं अधिकारीगण, देश के विभिन्न भागों से जुड़े हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के चिकित्साकर्मी एवं टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े नागरिक बंधु, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान व निक्षय 2.0 के शुभारंभ हेतु आयोजित इस सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं केंद्रीय सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय श्री राजेश भूषण को स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान राजेश भूषण जी। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, वाइस चांसलर्स, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, डिग्निटरीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इट इज़ अ मैटर ऑफ इमेंस प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस दैट ऑनरेबल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रेस्ड दिस ओकेजन टू लॉन्च प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। मैडम, योर इन्वॉल्वमेंट वी आर सर्टेन विल नॉट ओनली एनर्जाइज द एंटायर कंट्री एंड ऑल स्टेक होल्डर्स टू डेडिकेट देमसेल्व्स टू इरेडिकेट टीबी फ्रॉम द कंट्री बाय 2027, बट विल ऑल्सो इंश्योर दैट द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, द नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड द कॉरपोरेट्स ऑल वर्क टुगेदर हैंड इन हैंड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। महोदया, भारत में हमने अनेकों बार एक साथ कार्य करके स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना किया है। इसमें रीसेंट उदाहरण COVID-19 के खिलाफ जो राष्ट्रीय मुहिम चलाई गई वो है, और हम आशा करते हैं कि इस पार्टिसिपेटरी अप्रोच के अंतर्गत हम टीबी को अपने देश से 2025 तक हटाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके मार्गदर्शन में पुनः प्रतिबद्धता ज्ञापित करेंगे। मार्च 2018 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में टीबी को उन्मूलन करने का लक्ष्य 2025 तक, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पूर्व का है, वो राष्ट्र के समक्ष रखा था। उसके तुरंत बाद देश ने NTEP कार्यक्रम, जो टीबी उन्मूलन के लिए चलाया जाता है, में सर्वाधिक टीबी केस नोटिफिकेशन दर्ज किए। साथ ही हमने एक राष्ट्रीय स्ट्रैटेजिक प्लान भी बनाया जिससे कि हमारी आगे की यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो सके। हमने एक पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच भी इस कार्यक्रम में लागू की, जिसके तहत हमने जो टीबी के मरीज हैं उनकी आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखा और निक्षय पोषण योजना को भी लॉन्च किया। इसके तहत प्रत्येक टीबी मरीज को 500 रुपये प्रति माह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट्स में दिया जाता है, ताकि वो पोषक आहार ले सकें। हमने ये पाया है कि टीबी का प्रकोप अभी भी समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों में होता है। इस पोषण योजना के तहत, जिसे 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, अब तक 65 लाख टीबी के मरीजों को 1700 करोड़ से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दी गई है। साथ ही महोदया, हमने देश भर में 1,22,000 से अधिक हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को ऑपरेशनलाइज किया है। इसके माध्यम से भी टीबी की सेवाएं हम उपलब्ध कराते हैं। हमने टेक्नोलॉजी के उपयोग पर भी ध्यान दिया है, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत टीबी मरीजों की डिजिटल हेल्थ आईडी को क्रिएट करना और उसके आधार पर उन्हें डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट की सुविधाएं देना, ये भी प्रारंभ किया है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव ऑल्सो सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स इन दिस प्रोग्राम। शॉर्टर, सेफर ड्रग रेजिमेंट्स
have been critical additions in this program. For drug resistant TB, we have introduced shorter and all oral regimen of drugs, and the success rate as a result has increased from 31% in 2016 to 53% in 2019. Maniya 2020 mein यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक जन आंदोलन टीबी के खिलाफ प्रारंभ किया था, और हमने कहा था कि होल ऑफ सोसाइटी और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत हम इस बीमारी से मुकाबला करेंगे. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान इसी का एक नेचुरल एक्सटेंशन है, इस जन आंदोलन की मुहिम का. अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान इज द निक्षय पोर्टल एंड द निक्षय मित्र इनिशिएटिव, जो माननीय आज आपके कर कमलों से लॉन्च किया जाएगा. इससे बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पार्टनर्स जो सरकार के बाहर हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं, वो सब इस कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे. आई एम श्योर दैट निक्षय मित्र विल बिल्ड ऑन अवर पास्ट सक्सेसेस एंड इंश्योर डीपर एंगेजमेंट विद कम्युनिटी एंड ऑल स्टेक होल्डर्स. This is the kind of synergy we need as a country to ensure TB-free India. अंत में मैं यही कहूँगा, TB हारेगा, देश जीतेगा. इसके साथ पुनः मैं आप सभी सम्मानित गणों का इस समारोह में स्वागत करता हूँ. धन्यवाद, नमस्कार. धन्यवाद सचिव महोदय. TB उन्मूलन हेतु भारत सरकार के प्रयासों और प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान के संबंध में एक लघु चलचित्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कुल टीबी के मामलों में 1/4 मामले भारत में पाए जाते हैं. देश में संक्रामक रोगों से हर साल होने वाली सबसे ज्यादा मौतें इस बीमारी से होती हैं. भारत ने इस चुनौती को स्वीकारा और टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का दृढ़ संकल्प लिया. ये कहानी है टीबी को निस्त नाबूद करने के भारत के भागीरथ प्रयास की. ये गाथा है एक सरकारी योजना के जन आंदोलन बन जाने की. ये प्रतिज्ञा है ऐसे इंडिया के निर्माण की जो स्वस्थ हो और पूरी तरह से टीबी मुक्त हो. मार्च 2018 माननीय प्रधानमंत्री ने 2030 के सतत विकास लक्ष्य SDG के तहत समय सीमा से 5 साल पहले यानी 2025 तक टीबी मुक्त भारत का आह्वान किया. तय समय के भीतर टीबी से मुक्ति पाना बहुत ही आवश्यक हो गया है. भारत में तो वैसे भी किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज से टीबी का प्रभाव सबसे ज्यादा है, और इसका सबसे ज्यादा शिकार भी गरीब से गरीब होता है, गरीब उस मुसीबत में फंसता है. मैं हर व्यक्ति, हर सरकार, हर संस्था, सिविल सोसाइटी से जुड़े हर प्रतिनिधि से भी ये संकल्प लेने के लिए आग्रह करता हूं कि वो टीबी के उस लास्ट पर्सन तक पहुंचने में, टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं. माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ 5 वर्ष में टीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम तैयार किया, जिसका लक्ष्य टीबी का पूरी तरह उन्मूलन है और इसे मिशन मोड में पूरे देश में लागू करने का बीड़ा उठाया. न केवल केंद्र बल्कि राज्य भी टीबी उन्मूलन के इस राष्ट्रीय अनुष्ठान में पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान दे रही है. उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है. 2020 में 23.4 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस राज्य में टीबी के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश अब इस बीमारी के खात्मे के लिए उठ खड़ा हुआ है. टीबी उन्मूलन के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं. 2019 में महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा बाल टीबी रोगियों को गोद लेना पूरे देश के लिए उदाहरण बन गया है. माननीय प्रधानमंत्री श्री ने पूरे देश को एक आह्वान किया था कि हमें भारत को टीबी मुक्त बनाना है 2025 तक. 2019 में जुलाई में जब मैं यूपी में आई
तो सबसे पहले मैंने राजभवन में हमारे अधिकारियों को प्रेरित करके 25 ऐसे बच्चों को गोद लिया। इसमें हम लोग खाने के लिए बच्चों को गुड़, चने, मूंगफली, फ्रूट्स वगैरह वगैरह देते रहते थे और 6 महीने में ये बच्चे टीबी में से मुक्त हो जाते थे। इसी तरह मैंने ये मुहिम शुरू की और फिर धीरे धीरे करके कई बड़े बड़े लोग भी इसमें जुड़ गए, सामने से आकर जुड़े। लगभग आज तक 2 लाख से ज्यादा बच्चों को गोद लिया है। पूरा समाज महामहिम राज्यपाल की दिखाई राह को आत्मसात कर रहा है और एनजीओ, कॉर्पोरेट और यहाँ तक कि निजी स्तर पर भी लोग टीबी रोगियों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मैं आज इस मंच से एक घोषणा कर रहा हूँ कि भारत ने वर्ष 2030 से 5 साल और पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य अपने तय किया। भारत सरकार द्वारा 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन भागीदारी का आह्वान किया है। इसके लिए निक्षय पोर्टल 2.0 एक व्यापक मंच प्रदान करता है। इस पोर्टल www.nikshay.in पर जाकर टीबी रोगियों को सामुदायिक समर्थन पर क्लिक करके communitysupport.nikshay.in पेज पर आ जाते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान पर क्लिक करने से आपको 3 विकल्प मिलते हैं। पहले विकल्प प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान डैशबोर्ड पर क्लिक कर आप देश भर के विभिन्न राज्यों, जिलों तथा प्रखंड स्तर पर मौजूद टीबी रोगियों और निक्षय मित्र से जुड़ी समस्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा विकल्प कंसेंटेड टीबी पेशेंट्स फॉर कम्युनिटी सपोर्ट डैशबोर्ड आपको टीबी रोगियों के जिलों का चयन करने में मदद करेगा। तीसरे विकल्प निक्षय मित्र रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप बतौर निक्षय मित्र स्वयं का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बुनियादी जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता और निक्षय मित्र की किसी श्रेणी से आप आते हैं प्रदान करनी होती है और आपको किसी भी तरह के दस्तावेज अपलोड नहीं करने हैं। इसके बाद आपको अपनी प्रतिबद्धता की जानकारी साझा करनी होती है, जैसे पोषण सहायता के अलावा कोई दूसरी सहायता भी प्रदान करना चाहते हैं तो उसका चयन करेंगे। साथ ही यहाँ आपको सहायता अवधि की जानकारी भी देनी होती है जिसमें कम से कम 1 साल का प्रावधान है। अगर आप एक राज्य में 1 से अधिक जिले में सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो उसका विकल्प भी उपलब्ध है। इसी तरह आप 1 से अधिक राज्यों में भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। अपने द्वारा भरे गए विवरण को जांच लें। अंत में सभी भावी निक्षय मित्रों के लिए ये आश्वासन देना अनिवार्य है कि वे टीबी रोगियों से संबंधित इन जानकारी का अनाधिकृत इस्तेमाल नहीं करेंगे और उन्हें बेहतर गुणवत्ता की सामग्री और निर्बाध सहायता प्रदान करेंगे। किसी भी प्रकार की शिकायत का वे त्वरित निस्तारण करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करने से आपको एक निक्षय रिपोर्ट शीर्षक वाला संदेश स्क्रीन पर प्राप्त होगा। संदेश के द्वारा आपको बताया जाएगा कि राज्य या जिला टीबी अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। आप संबंधित जिला टीबी अधिकारी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको एक फॉर्म सबमिशन टोकन आईडी भी मिलेगा। टीबी उन्मूलन की दिशा में आपकी भागीदारी स्वागत योग्य है। टीबी हारेगा। अब मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का ध्येय हमारे साथ साझा करें। माननीय मंत्री महोदय नमस्कार। भारत के आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, सभी राज्य से जुड़े सम्माननीय राज्यपाल जी, मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, सभी राज्यों से जुड़े राज्य के आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, देश भर से जुड़े आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधिगण, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरगण, मीडियाकर्मी, सभी भाइयों और बहनों, मेरा आप सभी को हार्दिक नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, टीबी की बीमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
और साथ में ही तंदुरुस्त समाज के लिए जोखिम भी है। WHO ने तय किया है कि विश्व से टीबी का 2030 तक उन्मूलन किया जाएगा, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य से आगे बढ़कर भारत को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का बहुत बड़ा संकल्प देश के सामने रखा है। पिछले वर्षों में टीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने बहुत तेज गति से प्रयत्न किए हैं और जरूरी तमाम संसाधन उपलब्ध कराए हैं और हमें उससे अच्छे परिणाम भी मिले हैं, लेकिन पिछले 2 साल में कोविड की वजह से इन प्रयत्नों में बहुत सारी बाधाएं भी आई है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, परंतु हम हमारे प्रयत्नों में और तेजी लाकर वर्ष 2025 तक देश से टीबी की बीमारी का उन्मूलन करने के लिए कटिबद्ध है और हमें पूर्ण श्रद्धा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दिखाया हुआ मार्ग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इन प्रयासों में तेजी लाने के लिए आज हम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से करवाने जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत काल में आज का दिन देश के इतिहास में बड़े गौरव के साथ याद रखा जाएगा। यह अभियान वह प्रयास है जिससे हम देश की जनशक्ति के आशीर्वाद और प्रयास से टीबी के सामने जीत हासिल करेंगे और मोदी जी का देखा हुआ स्वप्न टीबी हारेगा देश जीतेगा को साकार भी करेगा, साथ में उन लाखों जिंदगियों को भी बचाएंगे जो टीबी का शिकार हो रहे हैं। इन सभी जिंदगियों को बचाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी मानवता की सेवा का कार्य कर रहे हैं। उनके दूरदर्शी प्रयासों और प्रेरणाओं से प्रेरित होकर हम निरंतर उनके पथ पर अनुसरण करते रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने मानवता की सेवा किस प्रकार की, इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देश के 25% लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था और आज 3 करोड़ से ज़्यादा परिवार को घर मिल चुका है। देश की करोड़ों महिलाएं लड़की लकड़ी जलाकर खाना पका रही है और एक वक्त का खाना पकाने में फेफड़े में 200 सिगरेट का धुआं जाता है। उनको अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ महिलाओं को LPG सिलेंडर वितरित किए हैं। सभी घर को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी के हर घर नल से जल योजना के तहत 7 करोड़ वाटर कनेक्शन आज लगाए गए हैं। देश की 25% आबादी जो बिजली के अभाव में अंधेरे में जीवन जी रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस मानवीय सेवा कार्य से सौभाग्य योजना के तहत 3 करोड़ बिजली के कनेक्शन आज देश में लगाए गए हैं। देश के गरीबों को सही वक्त मुफ्त इलाज मिले, उसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये वार्षिक पारिवारिक बीमा कवच उपलब्ध कराए गए हैं। 8,700 से ज़्यादा जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं। सुरक्षित मातृत्व, तंदुरुस्त शिशु के लिए अनेक योजनाएं आज देश में लागू की गई है। कुपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए पोषण अभियान लागू किए गए हैं। देश के किसी भी गरीब को भूखे सोने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए 2020 से 80 करोड़ लोगों को खाने का मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसी के साथ में पूरी मानवता कोविड के विरुद्ध अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व शक्ति से देश को न केवल जोड़कर रखा
बल्कि विश्व के साथ ही भारत में स्वदेशी वैक्सीन विकसित कराकर दुनिया के सबसे बड़े फ्री वैक्सीनेशन अभियान से पूरे देश को सुरक्षित भी बनाया। आज जब हम बात कर रहे हैं तब देश में करीब 215 करोड़ कोविड वैक्सीन लग चुकी है, जो दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज़्यादा है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन के नारे के साथ देश के गरीब से गरीब को सुरक्षित कर प्रधानमंत्री जी ने मानवता की बहुत सी बड़ी सेवा की है। कोविड के दौरान न केवल भारत में लेकिन विश्व के 150 देशों में जरूरी दवाएं, कोविड वैक्सीन भेजकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी दुनिया की सेवा की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 8 सालों में समाज के विभिन्न तबकों में शामिल लोगों की चिंता कर मानवता का उत्तम कार्य किया है। जैसे कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, दिव्यांगों को नई पहचान दी गई और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए हर एक कदम उठाया गया। ट्रांसजेंडर लोगों को समाज में स्वीकृति मिले और उनका अधिकार सुनिश्चित हो, उसके लिए कानून बनाकर कार्य किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के साथ लाखों बेटी को इस दुनिया में जन्म लेने का अधिकार दिया। समाज के सभी वर्गों, सभी नागरिकों को गौरवपूर्ण जीवन मिले और सुविधायुक्त जीवन मिले, देश का हर क्षेत्र में विकास हो, ये सभी कार्य पिछले 8 सालों में संभव हुआ है। प्रधानमंत्री जी के मानवता की सेवा के कार्यों में सहयोग करने के लिए आज टीबी बीमारी के सामने हम बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें देश के सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, कॉरपोरेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, सभी पॉलिटिकल पार्टियों आदि सभी को मैं आह्वान करता हूँ कि आओ हम सब मिलकर टीबी को हराए। मैं भी निक्षय मित्र बनता हूँ, आप भी निक्षय मित्र बने और टीबी के मरीजों को गोद लेकर उसका पोषण, निदान और रोजगार में मदद करके उनको प्यार, हौसला और उम्मीद दे कि वह भी शीघ्र स्वस्थ होकर नॉर्मल जिंदगी जी सके। आज के इस अवसर पर जुड़े सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ और इस अभियान को लॉन्च कर हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए देश की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद। अब माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध है कि वे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान व निक्षय 2.0 का शुभारंभ करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। हमें विश्वास है कि आज आपके कर कमलों द्वारा इस अभियान का शुभारंभ हम सबको नई स्फूर्ति तथा ऊर्जा प्रदान करेगा और हम टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को निश्चित समय सीमा में प्राप्त कर लेंगे। माननीय महोदया के संज्ञान में यह लाना समुचित होगा कि इस अवसर पर सभी गणमान्य अतिथियों के साथ साथ राज्य एवं जिला टीबी अधिकारी, टीबी रोग पर विजय प्राप्त किए हुए नागरिक तथा टीबी रोगियों का उपचार में संबल देने वाले निक्षय मित्र भी जुड़े हुए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय से आग्रह है कि अब वह आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय। कार्यक्रम में उपस्थित राज्यपालगण, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवेजी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती परवीन पावर, संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपालगण, राज्य के मंत्रीगण,
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी जिला अधिकारी तथा टीबी उन्मूलन से जुड़ी टीमों के सभी सदस्य, देश के विभिन्न भागों से ऑनलाइन जुड़े हुए देशवासियों, सभी को नमस्कार। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को उच्च प्राथमिकता देना तथा इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। ऐसा इसलिए है कि भारत में अन्य सभी संक्रमण रोगों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु टीबी से होती है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का हिस्सा 20% से कुछ कम है, लेकिन विश्व में टीबी के कुल मरीजों में 25% से अधिक मरीज भारत में है। ये चिंता का बात है। ये भी दिखा गया है कि टीबी से प्रभावित अधिकांश लोग गरीब वर्ग से आते हैं। इन्हीं कारण से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी उन्मूलन करने और शीघ्रता से करने का आह्वान किया है। निक्षय 2.0 पोर्टल के माध्यम से टीबी के मरीजों को कम्युनिटी सपोर्ट देने के पहल की मैं प्रशंसा करती हूँ। अभी हम सब ने टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित एक वीडियो फिल्म हमने देखा। इस फिल्म ज्ञानवर्धक भी है और प्रेरक भी है। हमने देखा कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के सक्रिय मार्गदर्शन से सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में टीबी की रोकथाम और इलाज के प्रयास को बल मिला है। उन्होंने बच्चों से लेकर हर आयु वर्ग के टीबी प्रभावित लोगों तक सरकार की पहुंच बनाने और सहायता प्रदान करने में मार्गदर्शन किया है। राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में राज्यपालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। राज्यपालों के शपथ में राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहना भी शामिल है। टीबी का उन्मूलन जनकल्याण का एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए राज्यपालों तथा उपराज्यपालों द्वारा राज्य स्तर तथा संघ राज्य क्षेत्र में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करने से स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का प्रेरणा मिलेगी। साथ ही एनजीओ, औद्योगिक संस्थान तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स भी उत्साहित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी इस अभियान को विशेष बल प्रदान करेगी। जब किसी अभियान के साथ जन समुदाय का व्यक्तिगत और सामूहिक जुड़ाव बन जाता है, तो उस अभियान की सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। सरकार की पहल और जन भागीदारी दोनों के बल पर ही देशव्यापी अभियान सफल होते हैं। देवियों और स्वजनों, ये नया भारत की सोच और कार्यप्रणाली विश्व संप्रदाय में अग्रणी राष्ट्र होने की है। भारत ने कोविड की वैश्विक महामारी का सामना करने में दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। आत्मविश्वास के साथ आगे चलेंगे और नई भारत की रीति नीति टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार सभी राष्ट्र ने वर्ष 2003 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने उसके 5 वर्ष पहले ही यानी वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन का संकल्प लिया है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में टीबी से जुड़ी सेवाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप टीबी के इंसिडेंस में कमी आई है। इसके लिए मैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवे और उनकी पूरी टीम की प्रशंसा करती हूँ। साथ ही
मैं राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रियों, उनकी टीमों और स्थानीय अधिकारियों व कर्मचारियों को भी सराहना करती हूँ। ये गर्व की बात है कि कोविड की वैश्विक महामारी की समस्याओं के बावजूद भारत एंटी टीबी ड्रग्स का विश्व का लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर बना है। मुझे ये जानकारी दी गई है कि टीबी के उन्मूलन से जुड़े निक्षय पोर्टल में समुचित परिवर्तन किया गया है। मुझे ये जानकारी इस नई पोर्टल यानी निक्षय 2.0 का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाना है। हम इस व्यापक भागीदारी में जन सामान्य के साथ साथ गैर सरकारी संगठन कंपनियां तथा अन्य संस्थान भी अपना योगदान देंगे। इस पेशेंट सेंट्रिक राष्ट्रीय पहल का सबसे उत्साहवर्धक पक्ष ये है कि टीबी के अधिकांश नोटिफाइड मरीजों ने निक्षय 2.0 के तहत सहायता लेने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए लोगों में टीबी के बारे में जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। उन्हें ये बताना होगा कि हम इस बीमारी की रोकथाम या प्रिवेंशन संभव है, साथ ही इसका इलाज भी कारगर है और सुलभ है। इस बीमारी की रोकथाम और इलाज की सुविधा सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कुछ मरीजों या समुदायों ने इस बीमारी से जुड़ी हीन भावना देखी जाती है तथा ये इस बीमारी को लांछन समझते हैं। इस भ्रम को भी दूर करना होगा। सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि टीबी के कीटाणु प्रायः सभी के शरीर में होते हैं। जब किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी कारण से कम हो जाती है तब ये बीमारी उस व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेती है। इलाज करने से इस बीमारी से अवश्य मुक्ति मिल जाती है। ये सारी बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए तब टीबी से प्रभावित सभी लोग इलाज की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इस बीमारी से बचने के उपाय भी लोगों को मालूम होनी चाहिए। टीबी प्रिवेंशन प्रोग्राम को निकट भविष्य में आरंभ किया जा रहा है। ये कार्यक्रम एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की सोच पर आधारित ये प्रोग्राम टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मुझे बहुत उपयोग सिद्ध होगा। मुझे बताया गया है कि हाल ही में टीबी स्क्रीनिंग तथा जागरूकता हेतु डोर टू डोर आश्वासन अभियान संपन्न किया गया है। इस अभियान में जनजातीय समुदाय के नेताओं, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और युवाओं की मदद ली गई है। इस 100 दिन के अभियान द्वारा जनजातीय बहुल आबादी वाले 68,000 से अधिक गाँव में लगभग 10,000 टीबी के मरीजों तक पहुँचना संभव हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए टीबी उन्मूलन से जुड़ी सभी लोग वर्ष 2025 तक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं अपने हृदय की कामना को अपने देश की प्राचीन और लोकप्रिय प्रार्थना के रूप में व्यक्त करते हुए यही कहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग रोग मुक्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित करने के लिए मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आपके शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है और हमें विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में हम सब दृढ़ता से टीबी का मुकाबला करेंगे। सभी माननीय राज्यपाल एवं उपराज्यपाल, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रीगण, सांसदगण
भारत सरकार एवं राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी, सभी गणमान्य व्यक्ति तथा टीबी उन्मूलन यात्रा के सभी साथियों की मैं आभारी हूँ कि आप इस आयोजन में आज सम्मिलित हुए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद।